हेलो मेरे टॉपर्स के गैंग, मैं मिताब देवांगन लक्ष्यकोट एकेडमी लाइक बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन आईटी से, और आज हम लोग पढ़ने वाले इमेजेस। हेलो मेरे टॉपर्स के गैंग, मैं मिताब देवांगन लक्ष्यकोट एकेडमी लाइक बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन आईटी से, और आज हम लोग पढ़ने वाले इमेजेस। इमेजेस क्या होता है यार? इमेज, हाँ भाई, आप लोग को पहले ही बता दूं बेटा, अभी तक के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक का न्यूमेरिकल अगर छोड़ दोगे तो अब जो जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे और जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका बेस सिर्फ इमेज है। आए समझ में? बहुत ध्यान से देखना बच्चों, अगर ये समझ गए तो पूरा न्यूमेरिकल समझ गए, क्योंकि इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं बन सकता। तो इमेज क्या होता है बच्चों? इमेज होता है ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आए समझ में? इमेज क्या है? ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आया क्या समझ में? इमेज क्या है? ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। तो यार इमेज कितने तरह के होते हैं? हाँ भाई, हमने तो ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है। इमेज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक कौन सा इमेज रहता है? एक होता है बच्चों रियल इमेज, रियल में फिर दिखता है, मिलता है, और एक होता है बच्चों वर्चुअल इमेज, जो दिखता नहीं, हमें ऐसा फील होता है कि दिख जाएगा और दिख रहा है, उसको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इसका कोई डेफिनेशन नहीं आएगा, लेकिन हर न्यूमेरिकल में यूज होगा, ठीक है। तो इससे पहले समझते हैं रियल इमेज कब बनता है। तो पहला मिरर के केस में, ठीक है, मिरर के केस में, ठीक है, कब बनता है? जब फ्रंट ऑफ मिरर होता है, मिरर के सामने ही जब बन जाए तो इसको हम लोग कौन सा मिरर इमेज बोलते हैं? रियल इमेज। बना के दिखाऊंगा अभी। सेकंड जो होता है पहचाने का वो है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यानी उल्टा। अब देखो, मान लो ये कोई मिरर है और शायद आप लोग पहचान गए होंगे कि ये कौन सा मिरर है, ठीक है। तो सुन लो, अगर इमेज ऐसा बन रहा है, ये मिरर के सामने है, और कैसा बन रहा है? उल्टा। कोई भी एक नहीं, दोनों ही होना पड़ेगा, तो ये कैसे इमेज है? रियल इमेज। सर क्या ऐसा हो सकता है कि सामने बने और इधर ऊपर? नहीं, होता ही नहीं है ये चीज। आया समझ में? तो कैसा होगा? या तो बनेगा ऐसा बनेगा, या तो उस तरफ ऊपर की ओर बनेगा। आया समझ में? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब कुछ बच्चे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो डायग्राम जो है ना, अगर ऐसा बनाएंगे तो क्या होगा? अरे भैया, डायग्राम ही तो बदला है, कंसेप्ट थोड़ी ना बदला है। तो इसमें इमेज कैसा बनेगा? ये देखो, ये मिरर है बेटा, ये वाला साइड, ये देखो, ये वाला साइड पॉलिश्ड है, पॉलिश साइड पे कुछ भी नहीं बनता, हमेशा अनपॉलिश्ड साइड पे बनता है। ये देखो, उल्टा बन गया, हो गया, है ना, और फ्रंट ऑफ मिरर है। आए समझ में? ओके, शायद समझ में आ गया है। तो भैया, जब कोई इमेज मिरर के सामने बनता है और उल्टा बनता है तो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा यार? सीधी सी बात है कि बैक साइड ऑफ मिरर और साथ में इरेक्टेड यानी सीधा। क्लियर हुआ? तो वर्चुअल इमेज कब बनेगा बच्चों? बैक साइड ऑफ मिरर और सेकंड क्या है? इरेक्टेड। एक बना के दिखा रहा हूं ना, ये मान लो मिरर है और ऐसा बनेगा तो रियल इमेज, और अगर ये मिरर है और ऐसा बनेगा तो वर्चुअल इमेज। सर कब बनेगा? थोड़ा सा रुक जाओ या फिर डायरेक्ट आगे का देख लो, है ना। आगे
इमेज एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, समझ में। तो अगर आपको जानना है कि सर वैसा कब कब होता है तो वहां पे देख सकते हो, लेकिन अभी लाइन से चलो तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा मिरर में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कब बनता है। तो लेंस का देखें, चलो लेंस का देखते हैं। चलो लेंस का देखते, लेंस के ना ऊपर में ना लेंस चाचा करके लिख देते हैं लेंस, ठीक है। ये मान लो एक लेंस है, लेंस में हमेशा, हाँ भाई, जिस तरफ से लाइट आ रहा है उसके अपोजिट साइड में इमेज बनेगा, ऐसा ऐसा और उल्टा बनेगा, आया समझ में। क्या होगा, अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट, ये इधर सोर्स ऑफ लाइट यहां पे होगा तभी तो लाइट ऐसे आ रहा है, लाइट का डायरेक्शन हमने नहीं बताया क्या, ये लो लाइट ऐसे और ऐसे चले गया, तो इधर सोर्स ऑफ लाइट है वहीं से तो लाइट आ रहा है, इस तरह से इस तरफ क्या बन गया, इमेज बन गया, आया समझ में। तो लेंस में रियल इमेज कब होगा बच्चों, लेंस में रियल इमेज तब होगा जब इमेज अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट होगा, आया। और सेकंड क्या होगा, ये इन्वर्टेड होगा, आ रहा भाई। अच्छा तो फिर वर्चुअल इमेज क्या हो जाएगा यार, सीधी सी बात है, अपोजिट साइड में, तो ये सेम साइड में होगा, सेम साइड ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, और ये क्या हो जाएगा, इरेक्टेड हो जाएगा। तो आपको क्लियर हुआ कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कब कब होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, बोनस पॉइंट है, ये एकदम बोनस पॉइंट लेके चलो। चलो सर क्या बोनस बता रहे हो, तो देखो पहला कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों में ना अगर सेम ऑब्जेक्ट का पोजीशन रहेगा सेम इमेज का पोजीशन बनेगा, इमेज सेम टू सेम बनेगी, हाँ। और इन दोनों में ना बेटा रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल इमेज भी बनता है, आया समझ में, रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल इमेज भी बनता है। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, इन दोनों में बेटा सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है, ये पहले से आपको पता होना चाहिए, पहले से आपको पता होना चाहिए, आया समझिए। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों में रियल इमेज भी बनता है वर्चुअल इमेज भी बनता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, इन दोनों में सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनता है। तो होप आप लोग को ये इमेज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो कि आप लोग इमेज बनाते रहिए, अपना अच्छा करते रहिए, ठीक है बच्चों, मिलते हैं, बहुत जल्द।